बच्चों स्टैंडर्ड फोर्थ चैप्टर सिक्स टीबी हम देख रहे हैं टेक्स्ट बुक रियाज जर्नी देख रहे हैं हम 41 पेज से 44 तक हो गया है हमारा। अब हम देखेंगे 45 पेज पे क्या दिया है। ही सेड दैट व्हेन हिज ब्रिज वाज ऑल नॉट देयर ऑल द ट्रेड्स ऑफ अहमदाबाद यूज्ड टू गो फ्रॉम वाया पालनपुर। तो यहाँ पे रिया और उसके डैडी की बात चल रही है, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डैडी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं और रिया भी अपने डैडी से सब पूछ रही थी कौन सा इस ब्रिज है कहलाता है पालनपुर दैट यूज टू टेक मच टाइम। तो वो पालनपुर के बारे में बता रहे हैं कि पहले जब अहमदाबाद नहीं बिल्टअप हुआ था तो वहाँ से ट्रेन्स नहीं गुजरती थी और वहाँ से न गुजरते हुए फिर वो पालनपुर से हो जाती थी। इमीडिएटली आई आस्क्ड माय फादर ही हैड सीन टू सेपरेट रेलवे ट्रैक्स। तो उन्होंने दो रेलवे ट्रैक्स सेपरेट देखे थे इसीलिए वो जंक्शन कहलाता था वो हमारा स्टेशन। बिफोर दैट द वे ऑफ पालनपुर राइट फादर सेड यस फ्रॉम द रूटीन ओनली ट्रेन was going. It was 11 at night, so father told us to sleep. Mother spread out the bed sheets on our seats. तो मम्मी हम लोग सब लोग सो गए और मम्मी ने हमारे ऊपर चादरें बिछा दी क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके थे और डैड ने भी बोला कि सेपरेट ट्रैक्स यहाँ से जा रहे थे और पालनपुर का ये वे था। All passengers were also going to sleep. They were toilet facilities in the train. I went to the toilet before my mother and then slept. With my mother and then slept. So, वहाँ के washrooms भी थे. Have you ever travelled by train? If yes, then from where and up to which place? कहाँ से कहाँ तक आप travel किए हैं और कहाँ से कहाँ तक आपने गए हैं वो आपको लिखना है। विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन ट्रेन राइट इन डिटेल्स। कुछ फैसिलिटी में याद आया तो कुछ ट्रेन होते हैं वो आपको खाना भी देते हैं। आई ट्राई टू स्लीप बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ड्यू टू द नॉइज ऑफ द ट्रेन। देर वॉज अनदर फैमिली नियर आर सीट। द गर्ल इज इन द फैमिली सीम्स टू बी ऑफ माई एज एंड शी वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लीपी। वी बोथ टॉक्ड। हर नेम वॉज फियोना। She had some story books and I also took one book from her. Give information about the use of the facility given in the train. तो कुछ कुछ facilities इतनी अच्छी होती है बच्चों तो आपको एकदम मज़ा आ जाए। फिर उन्होंने वो इतना सब आवाज़ आ रहा था तो उनको सो नहीं पा रहे थे वो। तो यहाँ पर एक फ्रेंड जो दिख रहे इनकी इनका नाम है फियोना। ठीक है, इनका नाम है फियोना। तो ये उनकी फ्रेंड बन गई और उनके पास बहुत सारे स्टोरी बुक्स थे तो वो एक दूसरे से स्टोरी बुक पढ़ने लगे और अच्छे से बातें करने लगे क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और उनको नींद उसके कारण नहीं आ रही थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेज 45 हमने देख लिया बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या हुआ नेक्स्ट पेज में, कहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँची। एंड स्टार्टेड रीडिंग इट। वाइल रीडिंग आई द बुक आई स्लेप्ट। तो बुक पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। सडनली आई वोक अप एंड आई सॉ द लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो एंड आई सॉ एंड पीप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड आई सीन द बिग सिटी हैड कम। बिग सिटी सिटीज आना स्टार्ट हो गया था तो मैंने विंडो में से बाहर देखा। एक बड़ी सी चकाचौंध रोशनी मेरे ऊपर गिरी तो मैं भी बहुत ज़्यादा उत्सुक थी जानने के लिए क्या है क्या नहीं। The train was passing. The city was looking very beautiful all around because of lighting. I had never seen such lighting of beautiful scene in Gandhidham. The train was passing under the bridge and somewhere from the railway crossing where all around tall buildings and the atmosphere was quiet. I took my mother's mobile to take photos and videos of these beautiful scenes which we will enjoy watching later. तो वो ज़्यादा गांधीधाम वो जो सीन था वो बहुत ज़्यादा
कलरफुल था और ट्रेन पास हो रही थी ब्रिज से और बहुत ही खुशनुमा सीन था। और हम लोग रेलवे से क्रॉस कर रहे थे बच्चों, तो वो सीन बहुत ही अच्छा लगा। टॉल बिल्डिंग्स थे, एटमॉस्फेयर एकदम शांत था और मेरी मम्मा के मोबाइल से मैंने काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी लिए। आर ट्रेन रीच्ड एट वन स्टेशन और फादर ऑल्सो वो काफ़ी टोल्ड दैट द इट वॉज अहमदाबाद दैट अहमदाबाद हैड कम। ओके, तो यहाँ पे टाइम दिया है ऑलमोस्ट 2:30 हो गए थे। द एटमोसफियर फेल्ट अप बाई नॉइज ऑफ डिफरेंट हॉकर्स ऑफ द वर्ड्स वर चाय गरम गर्मा गर्म चाय भजिया पूरी शा कोल्ड वाटर बॉटल बनानाज वड़ा पाव चीकू एप्पल। फादर सेड द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 22:25। फादर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एंड फिल्ड द वाटर बॉटल। आई ऑल्सो वेंट विथ हिम। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ था, ये सीन तो आपको पता है। इन्होंने फोटोग्राफ्स लिए, बहुत अच्छे से गांधी नाम के पिक्स लिए, तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में द ट्रेन रीच्ड कौन से कहाँ बिग स्टेशन पे फादर, तो वो कब वो एकदम मैं भी इस दुनिया में आ गई हूँ। देखो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है ये पढ़ते आपको स्टोरी सुनाते। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ। तो पापा फिर उठ गए थे और ऑलमोस्ट 2:30 हो गए थे। फिर सब लोग आवाज़ करने लगे कि चाय गरम ये वगैरह पकौड़े सब मिल रहा था, तो आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हो। तो वहाँ पे पापा ने कहा कि चीकूज बनानाज ये सब हैं, तो उन्होंने बोला 20-25 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकेगी, तो चलो आप हम जाके पानी लेके आते। तो वो भी फिर हमारी रिया भी उनके साथ पानी लेने चल पड़े। फिर है बच्चों फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड, वो क्राउड हो गया था। फिर जो पैसेंजर्स थे वो बाइंग फ्रॉम दी हॉकर्स, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी ना, तो वो सब फिर कोई देखता नहीं है कितना क्लीन है कि नहीं फूड, तो सब लोग वहाँ पे बाय करने लगे सबसे। देयर वर मेनी अदर ट्रेन्स एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, देयर वर पीपल विथ रेड यूनिफॉर्म कैरिंग लोड्स। तो कूली भी वहाँ घूम रहे थे। तो देवर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स ऑन द माइक और आई वॉज एंजॉइंग द सीन। ही टुक बनानाज एंड चिकूज फ्रॉम हॉकर्स एंड गॉट डाउन इन द ट्रेन। तो बनानाज और चिकूज लिए, चलो अच्छा है, फ्रूट्स है तो है, अच्छे होते हैं। बाकी अगर हम ऑयली स्टफ़ लेंगे तो कौन सा तेल यूज़ किया है क्या नहीं, बीमार होने के ज़्यादा चांसेस, तो फ्रूट्स ज़्यादा बेटर पड़ते हैं। तो 4:15 बज गए थे आप देख रहे हैं। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड वी एट बनानाज एंड चिकूज एंड देन वेंट टू द टॉयलेट एंड देन नाउ आई एम फीलिंग स्लीपी। आई हैड द बोर्ड ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स और हिमांश फियोना एंड आई प्लेड स्नेक्स एंड लैडर्स इन द मीन वाइल द ट्रेन अराइव्ड एट नडियाड वेयर फियोना हैड गो टू गौटा। फॉर फियोना सेड बाय टू अस एंड आई एंड हिमांश वेंट टू स्लीप। तो हम लोग फिर सोने लगे क्योंकि फियोना वहाँ पे उतर गई और अच्छी खासी फ्रेंड बन गई थी। उन लोग ने स्नेक्स और लैडर्स और गेम्स और सब अच्छे से साथ में खेले। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय रेलवे एंड रेलवे एट नाइट, व्हाट डिड यू सी ऑन द वे। अगर आपने ट्रैवल किया है तो क्या आपने देखा है रोड पे कुछ? हाँ, तो हॉकर्स बैठे रहते हैं, वो लोग बेचते हैं, बोलते हैं ये ले लो वो ले लो। व्हाट डिड यू सी इन अहमदाबाद फॉर द ट्रेन राइड, उन्होंने क्या क्या देखा अहमदाबाद में वो वहाँ पे लिखा है। चाय गरम बिस्किट नरम सब बोलने वाले थे, गरम गरम भजिया पूरी शाक सब बेचने वाले थे वहाँ पे। फिर वो लोग जाके अपना पानी लेके आए। सो गिव स्पेशल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय ट्रेन्स टू गो फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर, नेसेसरी केयर एंड अनाउंसमेंट्स ऑन द माइक। तो क्या होता है बच्चों, आप जब भी ट्रेन में जाते हो नो मैटर कौन से भी आप
स्पेशल ट्रेन बुक करते हो या फिर पहले S1 S2 होते हैं ना पहले वाले लो मतलब कम टिकट वाले ज़्यादा टिकट वाले, तो जितने भी आप लेते हो फैसिलिटी अच्छा देते, AC में होते। हमारे तो डैड मॉम रेलवे में थे तो हमको फैसिलिटी मिल जाती थी, हमको हमको वहाँ उन्हें बिछाने के लिए भी बेस्ट उनको मिल जाता था, ठीक है, बिछौना ब्लैंकेट। AC में आते थे, AC में जाते थे, तो हमको तो बड़ी फैसिलिटी मिली थी रेलवे से। सो डू यू हैव एनी, नेक्स्ट पेज है 48 वाला, डिड यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द हॉकर्स, कुछ आपने बाय किया हॉकर स्टेशन ड्यूरिंग द ट्रैवल, इफ़ यस देन मेक अ लिस्ट। हमने कभी बाय नहीं किया, हमने खुद के पराठे जो भी बने वो घर के बने, क्योंकि वहाँ पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे। एक बार ऑर्डर किया था तो कुछ अच्छा नहीं मिला था, मिलावट वाला था, तो हम कभी नहीं ऑर्डर करते। अगर आपने कुछ ऑर्डर किया होगा, हाँ चाय कॉफ़ी हम ऑर्डर करते थे, बिस्किट्स करते थे तो वहाँ से फिर बिस्किट्स खा लेते थे चाय के साथ। तो व्हाट डिड रिया सी एट अहमदाबाद स्टेशन, वो आप लिख सकते हो, उन्होंने क्या देखा, वड़ा पाव क्या, उनके डैडी के साथ स्टेशन पे उतर के उन्होंने पानी लेने गए थे, ठीक है, और बहुत सी बातें उन्होंने देखी वो आप लिख सकते हो, उनके फ़ोटो खींचे मम्मी के मोबाइल पे, विच टाइप ऑफ वॉइसेज रिया हर्ड एट द अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, तो कौन सी वॉइसेज उन्होंने हॉकर्स की वॉइसेज उन्होंने सुनी, ये ले लो वो ले लो, स्नैक्स बिस्किट्स बेच रहे थे, गर्मा गर्म भजिए और वो सब, तो वो सब उन्होंने सुना बच्चों, और काफ़ी उनको उत्साही हुई कि चलो अब आपको क्या करना है, गेम्स अगर वो आप ले जाते हो खुद खेलने के लिए तो आप कैसे खेलते हो ये आपको मुझे बताना है, और आपने कैसे ट्रैवल किया ये सब आपको लिख के मुझे बताना है, तो जब आप आओगे तो हम ये चीज़ चेक कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू चैप्टर के साथ, रियाज ट्रेन गॉट लेट, तो ये चैप्टर हम देखेंगे चैप्टर 7। तब तक के लिए बाय बाय, ये रीड कीजिए 3 times, लर्न कीजिए 3 times, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।